अच्छी फिल्म है एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय जॉन्स परफॉर्मेंस एंड स्पेशली द एंड ऑफ द मूवी. या आई थिंक दैट्स अ फीडबैक वी आर गेटिंग. जो फिल्म की जो एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, जो हम बता नहीं सकते ऑब्वियसली क्योंकि वो फिल्म है, आई थिंक इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म और लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो. वेल, हर फिल्म के साथ मुझे एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट. आई थिंक विद एवरी फिल्म आई एम इम्प्रूविंग. अच्छा लगता है मुझे और मेरे इमेज के ये बहुत ही खिलाफ है इन अ वे. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई इमेज क्योंकि एक एक्शन इब्राहिम का इमेज है और आईमियर में एक बहुत ही स्वीट कमिंग ऑफ एज फिल्म है. तो पीपल आर वेरी सरप्राइज्ड एंड दे वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. आई एम वेरी, अदरवाइज आई वुडन्ट हैव डन द फिल्म इन द फर्स्ट प्लेस. तो मैं खुश हूँ. आई एम अ पर्सन हु गोज बाय स्क्रिप्ट्स एंड आई लव सर्टेन स्क्रिप्ट्स. और मैं बहुत ही क्लियर था फ्रॉम द ऑनसेट कि ये फिल्म एक फीमेल ऑडियंस ज़्यादातर उनके लिए बनाई गई थी एंड आई स्टिल मेंटेन दैट बिकॉज आई थिंक वुमेन विल लव इट. Having screenings in different places, तीन जगह पे स्क्रीनिंग हो रही है तो हमने एक एक को एक एक जगह पे डिप्लॉय किया है. आई थिंक वी डिवाइड एंड रूल. I want to just say one thing. The biggest compliment I have seen today, I have seen John's mom coming and just touching him like that and looking at him so warmly. Mom ro rahi thi kyunki the film is very touching. It's very touching. So I think that is the best moment I have seen. I feel like making the movie is partly worth it just to see auntie's reaction. And the way she looked at her son, she was so proud of him and so happy about that.